निसार अहमद हत्याकांड का बुलंदशहर पुलिस ने किया खुलासा। 20 रुपए की सिगरेट के लिए की गई थी निसार की डंडे से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। घटना में शामिल 5 आरोपी अभी भी फरार। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे लाल रंग की कार से वापस चले गए और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पर 9 की संख्या में कुल आए और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मारपीट फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए, लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए। लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहां नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने में लाया गया और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दरकौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंदावली जब थाना दरकौर का रहने वाला है और भूरा भाटी है ये भी दरकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से वो अल्टो कार लाल रंग की जो थी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बूर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामदगी की गई है। पुलिस का दावा सिगरेट को लेकर हुआ था मृतक और आरोपियों में विवाद। कार सवार हमलावरों ने डंडे से पिटाई के बाद कैंटीन संचालक निसार को गोली मार दी थी। पुलिस ने हाईवे पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर खोज निकाली आरोपियों की लाल रंग की कार। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने कटवा दी थी कार। पुलिस ने कटी हुई कार भी बरामद की। सभी आरोपी गौतम बुद्ध नगर के कासना के रहने वाले। आरोपियों के कब्जे से कटी हुई ऑल्टो कार, 2 पिस्टल और 6 कारतूस भी पुलिस ने किए बरामद। एसएसपी ने कोतवाली देहात टीम को किया 20,000 का इनाम देकर सम्मानित। देहात कोतवाली के दरियापुर में NH-91 के किनारे स्थित कैंटीन पर हुई थी वारदात। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।